कौन फ्रेम दिखेगा ओम प्रकाश लांगीडे। मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, ग्राम विकास अधिकारी संघ उपसा का बाड़मेर ग्रामीण का जिला प्रतिनिधि हूँ। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम पिछले 6 फरवरी से निरंतर सत्याग्रह यज्ञ कर रहे थे, तो आज दूसरा शनिवार है। ये बड़ी खुशी की बात है कि 6 फरवरी के पहले सत्याग्रह यज्ञ के बाद ही माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमारी 3 मुख्य मांगें पूरी कर दी है। इसलिए हम आज से सत्याग्रह यज्ञ की जगह सरकार को आभार व्यक्त करने के लिए, आभार यज्ञ के रूप में यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। कौन सी मांगे मानी है और कौन सी मांगे बाकी है? हमारा 7 सूत्री मांग पत्र था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी हमारी RDS में विकास अधिकारी के पद तक हमारी तृतीय पदोन्नति के रूप में 25% पद रिजर्व करने की, एक तो वो गवर्नमेंट ने मांग लिए। दूसरी हमारे रिक्त पदों पर भर्ती की मुख्य मांग थी, वो भी सरकार ने मांग लिए। और तीसरी हमारे ग्राम विकास अधिकारी पद नाम जो अभी गवर्नमेंट ने कैबिनेट में निर्णय करके और परिवर्तित कर दिया है, 3 मांगे तो हमारी ये मुख्य रूप से थी जो गवर्नमेंट ने मांग ली, उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अभी इसके अलावा हमारी और मांगे हैं, जैसे DRDA कार्मिकों का समायोजन है, और मुख्य रूप से जो पिछले 3-4 साल से हमारी पदोन्नतियाँ नहीं हो रही है, तो वो मुख्य रूप से हमारी वो मांग है, और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी वो मांग भी तुरंत जल्दी पूरी करे।